हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज शिवा और आप देख रहे हैं टेक टू ट्रोन। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सैंडिस्क कंपनी का 4TB SSD, इसका अनबॉक्सिंग, इसका स्पीड टेस्ट और इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर इसके बारे में और भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये रहा सैंडिस्क कंपनी का एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD। ये बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही फास्ट काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो रीड स्पीड दिया गया है वो है 1050 Mbps का और जो राइट स्पीड है वो है 1000 Mbps का। ठीक है, तो चलिए इसे बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये 4TB का SSD मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4TB लिखा हुआ है और इसका मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया का है। यहाँ पे इसका एक यूज़र गाइड, जो कि इसका कुछ काम ज़रूरत नहीं पड़ता है उतना। और ये रहा इसका डेटा केबल। तो यहाँ पे आपको Type-C to Type-C का ये आपको डेटा केबल मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पे एक USB का एडाप्टर भी मिल जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे Type-C वाला पोर्ट को लगा कर आप अपने USB पोर्ट में आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये जो SSD है ये Windows 10+ ऑपरेटिंग सिस्टम, macOS, हाई सियरा और आपका स्मार्टफोन, जो Type-C वाला स्मार्टफोन है, उन सब में ये सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे कंपनी से ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। दोस्तों, इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है और इसका जो ऊपर का मटेरियल है उसमें थोड़ा सा रबरी टाइप का आपको फील होगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। और ये आपको टोटल 3 कलर्स में अवेलेबल आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे। मैं इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। इसका करेंट प्राइस है 31,000 रुपीज़, लेकिन कभी कभी डिस्काउंट में इसका प्राइस और कम में मिल जाता है, जैसे कि मुझे मिला था। मैं जब इसे परचेज़ किया था तब इसका प्राइस था 20,800 रुपये, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया था, तो बहुत ही अच्छा था वो डील। खैर, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी डिस्काउंट में इसे परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो सबसे ख़ास फीचर मुझे लगा है वो है इसका 3 मीटर का ड्रॉप प्रोटेक्शन फीचर। दोस्तों, यानी 3 मीटर से अगर ये आपका हाथ से गिर जाता है तो भी इसके अंदर जो डेटा रहेगा उसमें कोई भी नुकसान नहीं आएगा, यानी डेटा जो है वो सेफ रहेगा। 3 मीटर यानी आप समझ सकते हैं 9 फीट, 9.5 फीट से भी ज़्यादा, तो उतना हाइट से अगर ये गिरता है तो भी ये बिल्कुल सेफ रहेगा। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है वो मार्केट में अवेलेबल दूसरे SSD के मुकाबले काफ़ी अलग है, यूनिक है। और इसका जो कलर्स है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो ग्रीन वाला पसंद था, लेकिन ग्रीन वाला नहीं मिला था, इसीलिए मुझे ये ब्लू वाला ही लेना पड़ा था। खैर, कोई बात नहीं। और दोस्तों, इसके साथ इसमें आपको IP65 का वाटरप्रूफ का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसका जो यूसेज रहेगा तो पानी से तो ये बिल्कुल दूर रहेगा, लेकिन फिर भी वाटरप्रूफिंग अगर रहता है तो उसका अलग एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। और ये डस्ट प्रूफ भी है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है। इसका वेट है 50 ग्राम, तो आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अपने जेब में, अपने बैग में, कहीं पे भी आप इसे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब कंप्यूटर में जाते हैं और इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग इसे मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट करके देखेंगे कि मोबाइल के साथ ये कैसे कनेक्ट होता है और मोबाइल फ़ोन से इसमें या इससे मोबाइल फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं या नहीं। एक्सटर्नल ड्राइव को कंप्यूटर के साथ कनेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पर इसका आइकन आ जाएगा, उसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के साथ में आपको यहाँ पे 2 सेटअप फाइल देखने को मिलेगा, मैक और विंडोज़ के लिए। तो विंडोज़ का कंप्यूटर अगर आपके पास है तो विंडोज़ का सेटअप फाइल से आप विंडोज़ का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और मेरे यहाँ पे मैक है, तो इसीलिए मुझे मैक का यहाँ पर जो सेटअप फाइल है इसके थ्रू इसका जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटा सा एक प्रोसेस है, उसे आप फॉलो कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आपका कंप्यूटर का पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड भी दे के आप इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर लास्ट में आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद अगर आप इस एक्सटर्नल ड्राइव में पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर लॉन्च पैड में जाना है और एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप अपने मनपसंद का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दीजिए। दोबारा इसे वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे आप सेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, इस कंप्यूटर में अगर आप यहाँ पे पासवर्ड देना नहीं चाहते हैं बार बार, तो आप इस कंप्यूटर को उसके लिए इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटो अनलॉक का ये सिस्टम को आपको इनेबल कर लेना है।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में दूसरा कोई भी व्यक्ति इसे बिना पासवर्ड का खोल नहीं सकेगा, तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से इसे इनेबल किए बिना ही यहाँ पे सेट पासवर्ड कर दीजिए। तो फिर सिक्योरिटी इज़ इनेबल्ड ऑन दिस ड्राइव, ओके। तो अब यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इस विंडो को भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इसे इजेक्ट करता हूँ, अभी इस एक्सटर्नल ड्राइव को कंप्यूटर से डिसकनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये हम लोगों से पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है या नहीं, तो पासवर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सैंडिस्क सिक्योरिटी वुड लाइक टू एक्सेस फाइल ऑन अ रिमूवेबल वॉल्यूम अलाउ, तो यहाँ पे अलाउ करना है। तो अलाउ करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो पासवर्ड सेट किया गया था उस पासवर्ड को यहाँ पे देना है। अब पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे अनलॉक ड्राइव करने से ये ड्राइव अनलॉक हो जाएगा और यहाँ पे ड्राइव फिर से आपका इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस एक्सटर्नल ड्राइव को पासवर्ड से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि इस एक्सटर्नल ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। चलिए, फोल्डर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मेरा एक फ़ोटो का फोल्डर है जिसका मेमोरी है यहाँ पे 1.02 GB। यहाँ पे देखिए, इसका भी नाम भी दिया हूँ 1 GB। यहाँ पे देखिए 1.01, 1.02, ठीक है। तो 1.02 GB यहाँ पे इसका जो है वो यहाँ पे इसका टोटल मेमोरी साइज है। तो 1 GB डेटा को इस एक्सटर्नल ड्राइव में हम लोग अभी कॉपी पेस्ट करेंगे, तो देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो कॉपी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ड्राइव में गए। अब इस अनटाइटल फोल्डर जो है इसके अंदर यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो देखिए, 1 GB का डेटा जो है ये पूरा यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आ गया। यहाँ पे जितना भी फोटोज़ है वो सब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, टोटल इसका आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए। इसका मेमोरी है देखिए, जो फोल्डर था 1.13 यहाँ पे हुआ है, 1.13 GB। यहाँ पे 1.1 GB सेम है। तो दोस्तों, 1 GB डेटा ट्रांसफ़र होने में यहाँ पे कुछ ही सेकेंड का टाइम लगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, एक वीडियो है, ये वीडियो का साइज है 422 MB का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 422 MB। अब इसको क्या करते हैं, इस वीडियो को भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर पे मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए, 422 MB का वीडियो ये 1 सेकेंड में यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, देखिए 423 MB। तो इतना फास्ट डेटा ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे सैंडिस्क USB ड्राइव, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको खोलता हूँ फोल्डर को, तो देखिए फोल्डर खुल रहा है। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू फोल्डर। यहाँ पे मैं फोटोज़ करके कर देता हूँ ओपन। तो ये देखिए, SSD के अंदर फोटोज़ नाम का मैं एक फोल्डर कर दिया हूँ। अब मोबाइल से अगर मैं कुछ फ़ोटोज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। USB स्टोरेज कनेक्टेड, मूव। तो यहाँ पे देखिए, USB स्टोरेज 4 TB, टोटल 4 TB। यहाँ पे इसके अंदर जाके मैं फ़ोटोज़ में अगर मैं मूव करता हूँ, तो देखिए ये फ़ोटोज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं। इसको फिर से एक बार खोल कर देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, खुल गया है, अच्छे तरीके से अभी काम कर रहा है। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से इजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, इजेक्ट हो गया। इसे फिर से अगर कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए, कनेक्ट हो गया। सैंडिस्क ओपन, तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। इसके अंदर फ़ोटोज़ जो मैं अभी ट्रांसफ़र किया था, वो फ़ोटोज़ भी सब यहाँ पे आ गया। देखिए, तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी सैंडिस्क एक्सटर्नल SSD को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और ऐसे ही टेक वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।